कांग्रेस के जनपद बलिया में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां आरोप है कि वाजडी के विधायक केतकी सिंह के इशारे पर सहतवार के सपा नेता और चेयरमैन नीरज सिंह गुड्डू पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मामला दशहरे की शाम रामलीला मैदान में रावण दहन के दौरान हुई मारपीट का सिलसिला है। नीरज सिंह गुड्डू ने आरोप लगाया है कि मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया गया था, भाषण देने के बाद वापस चले गए, लेकिन इसके बाद भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमे को फर्जी बताया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह आग जली, कई जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिली। ऐसे में बलिया में भी, खरौनी ग्राम सभा में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली, जहां पर आप बतौर मुख्य अतिथि थे। क्या मामला था? हमको वहां के कमेटी के लोग और जो वहां के ग्राम प्रधान हैं बबलू सिंह जी और सीटू सिंह जी, उन लोगों ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। वहाँ कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम होने के बाद मैं भाषण दिया। मेरी भाषण समाप्ति के बाद बहुत तेज डीजे बजने लगा और अब उसके बाद 10-15 मिनट का कार्यक्रम था रावण दहन का। फिर कोतवाल साहब से बबलू सिंह भी कहे कि भाई 10 मिनट हो जाए उसके बाद ही लो अपना, जबकि ये तय भी हुआ था कि रावण दहन के बाद वो लो। लेकिन उसमें एक राजू दुबे हैं जो माननीय क्षेत्रीय विधायक केतकी सिंह जी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इतना तेज डीजे बजवाना शुरू किया कि कहीं कुछ सुनाई नहीं दिया। कोतवाल से कहने के बावजूद भी, कोतवाल जाके कहे भी इसके बावजूद भी वो नहीं माने, और पता नहीं किस ताकत से किस गुमान में थे जो वो नहीं माने, और उसके बाद इतना तेज़ बजवाना शुरू किया। फिर बबलू सिंह जी हम लोगों से कहे कि भाई आप चले जाए, आप चेयरमैन साहब हो गए, आप जाइए, हम लोग दहन करेंगे। तो मैं वहाँ से निकला और बबलू सिंह जी से कार्यकर्ता कहने लगे कि दहन कैसे होगा। तो बबलू सिंह कहे कि ठीक है, हम समझा रहे हैं, कोतवाल साहब से बात कर रहे हैं। तो बबलू सिंह जी समझाने के लिए गए कोतवाल साहब और वो हम निकल गए थे वहाँ से। तब तक पता चला कि वो लोग, मैंने बबलू सिंह के साथ शायद कार्यकर्ताओं के साथ वो नहीं माने बात। तो फिर इसके बाद वाद विवाद बढ़ा है, वाद विवाद बढ़ने के बाद वो लोग पूरी प्लानिंग तैयारी में थे और राड डंडा को लेकर के मतलब शुरू कर दिए लोग। सबसे गलत बात यह है कि कम से कम मुझे 10 से 15 हज़ार महिलाएं थीं, वो जो इतना मतलब मुख्य दर्शकों के, आप मेरी मेरे पास मेरे भाषण की पूरी कॉपी है, दो दो हमारे पास रील आए हुए हैं, पूरी कॉपी है। इतने खुश, इतने शांत तरीके से महिलाएं बातों को सुन रही थी और रावण दह देखने के लिए बैठी थी, लेकिन एक व्यक्ति ने पूरा माहौल ख़राब कर दिया और इस राम के राज में रावण का दहन समय से नहीं हो पाया, जिसको 4 बजे भोर में पुलिस जा कर के दहन कराई। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए और निश्चित तौर पे ये बहुत ही गलत हुआ है। हमारा नाम, हमको आप ही लोगों के माध्यम से मालूम चला कि हमारा नाम आया हुआ है। पहला एक एप्लीकेशन पड़ा है, लेकिन उसको फिर हटा के दूसरा एप्लीकेशन हुआ है, उसमें मेरा नाम सबसे आखिरी में आया हुआ है। नाम आने और जाने से मैं न डरने वाला हूँ न घबराने वाला हूँ। अगर जेन्युइन होता, सही होता, तो मैं स्वागत करता, क्योंकि मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करने जानता हूँ। लेकिन मैं वहाँ हूँ नहीं, और अगर मैं मंच से आगे उतर के कहीं हूँ तो आप दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये पुलिस प्रशासन का फेल्यूर माना जाएगा या फिर स्थानीय नेताओं की चाल मानी जाएगी, इसमें किसकी भूमिका संदिग्ध मानते हैं? स्थानीय नेताओं का, मैंने क्षेत्रीय विधायक हैं वो, उनका समर्थक है, वही शुरू कराया है, तो जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है। और उनके दम पे कोतवाल की बात न मानना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक कोतवाल है और वो कह रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर डीजे बंद नहीं हो रहा है तो किसकी लापरवाही है, संज्ञान खुद ले सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, इस तरह की घृणित राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल मैं वहाँ गया हूँ मुख्य अतिथि बन के, आप कहीं जाएंगी, कहीं और कोई जाएगा और मुख्य अतिथि गया और आप उस पर मुकदमा करा दें, ये सबसे निंदनीय कार्य है। कल दिन भर उस व्यक्ति को बचाने के लिए थाने में बैठे थे कि उनका नाम निकल जाए, सुलह हो जाए, जो भी हो। नीरज सिंह गुड्डू से डरने वाले नहीं हैं, नीरज सिंह गुड्डू संघर्ष से पैदा हुए हैं, नीरज सिंह गुड्डू मुलायम सिंह
संघर्ष हम लोगों को सिखा के राष्ट्रीय माननीय मुलायम सिंह जी हम लोगों को संघर्ष सिखाए हैं, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों को संघर्ष सिखाए हैं, और हम लोग खुद ज़मीन से जुड़े हुए लोगों हैं। हम लोगों के पास अपने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता तो वही हैं, नीर सिंह गुड्डू के पास भी इतने कार्यकर्ता हैं कि नीरज सिंह गुड्डू को लाठी और डंडा चलाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि स्टेटमेंट है। नीरज सिंह गुड्डू लाठी या डंडा चलाने वाले नहीं है, नीरज सिंह गुड्डू के लिए हजारों हजारों कार्यकर्ता अपने ऐसे हैं कि नीरज सिंह गुड्डू से पहले वो लाठी चलाने के लिए और अपना सब कुछ आहूत करने के लिए तैयार रहते हैं। आप लोग इसका नज़ारा देखें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीरज सिंह गुड्डू के पास जितना कार्यकर्ता है किसी के पास इस क्षेत्र में कार्यकर्ता नहीं होंगे। और ये तो बौखलाहट है, अभी आने दीजिए, आने वाले दिन में नीरज सिंह गुड्डू पर एक मुकदमा हुआ है, मैं ऐसा करता हूँ कि 2-4-10 और मुकदमे होंगे, स्वागत है। जो आप इकरार करने के किस रूप में आप देखते हैं? सीधे सीधे हर्ष करने के रूप में है, सीधे सीधे ये है कि इनको डेमरलाइज किया जाए, इन पर मजबूती से राजनीति किया जाए। तो नीरज सिंह गुड्डू डेमरलाइज होने वाले व्यक्ति नहीं है, नीरज सिंह गुड्डू संघर्ष से पैदा हुए हैं, संघर्ष करना जानते हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं हमारे नेताओं का आदेश होगा तो सड़क पर भी संघर्ष होगा और थाने कचहरी घेरने का भी संघर्ष होगा। नीरज सिंह गुड्डू वैधानिक तरीके से अहिंसात्मक तरीके से हर लड़ाई लड़ने के लिए अपने सक्षम है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ लड़ने के लिए तैयार है।